What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 18 जून 2020 सुबह के 8:17 हो रहे हैं। आज फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। हम देख रहे हैं काफी दो दिनों से एक रेंज में ट्रेडिंग हो रहा है, जो जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली थी जब करीब करीब 350-300 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था, तभी 400 पॉइंट की लगभग रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद एक कंसोलिडेशन वे में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और अभी इंडिया चाइना की जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके वजह से भी टेंशंस काफी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स थोड़े संभल के चल रहे हैं। जो रिकवरी आई थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कंसोलिडेशन वे में ये ट्रेड हो रहा है। तो आज के एनएफटी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 जून आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9,942 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,810। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी इंडेक्स का 10 मिनट का चार्ट है, तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ इन दो लेवल्स के बीच में ये ओपन हुआ और ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया, पेनेट्रेट किया ये लेवल, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से एक साइडवेज पैटर्न में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखा। और जैसे ही सेकेंड अटेम्प्ट में इसने ऊपर जाने की कोशिश की तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद 9,978 ये अचीव हुआ। इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ आते हुए फिर से जो एक बाउंस बैक लगाया एग्जैक्ट इसी लेवल के पास, फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव दिखाकर अराउंड 9,881 के पास ये क्लोज हुआ, जहाँ पर इसने दिन का स्विंग लो लगाया था। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडेक देखे तो हरे निशान में बंद हुआ, हालांकि हल्की सी कमजोरी वहां पर भी देखने को मिल रही थी, दो दिन की तेजी के बाद वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया था। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हरे निशान में कल बंद हुए थे, लेकिन एशियाई बाजारों में खासकर इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के डिस्प्यूट के टेंशंस के कारण अभी भी एशियाई बाजार यहाँ पर कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 76 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो इस समय 377 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से इस समय थोड़े से कमजोरी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। चलते चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या कहता है ये देखते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर इस वीक का ये कैंडल देखिए तो अभी तक इसने जो फॉर्म बनाया है, दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है अभी भी इस वीक के, डोजी जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है और इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है। अगर हम इसे देखें तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न बना ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जैसा पैटर्न है, लेकिन अभी तक ये सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है अगर ये पैटर्न यहाँ पर कन्फर्मेशन देता है तो, यानी यहाँ पर ऐसा अगर बियरिश कैंडलस्टिक बनता है तो ये इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो ये पैटर्न यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा और निफ्टी इंडेक्स ये जो लास्ट स्विंग लो लगा है यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि अब तक ये जो 3 दिन हो चुके हैं तो ऊपर ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 9,983 यानी ऑलमोस्ट 10,000 के पास है, तो ऊपर 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर फिर से एक बार बना हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे ये जो 9,715 है जहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ था बहुत दिनों पहले, तो यहाँ पर मतलब दो वीक पहले, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस रेंज में ये ट्रेड हो रहा है।
अगर 20 EMA ये 10,000 के पास आ रहा है तो डेली चार्ट में भी देख सकते हैं आप, ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये भी अराउंड ऑलमोस्ट 10,029 यानी ये 10,000 के करीब ही आ रहा है। तो ऊपर ये 10,000 के लेवल के पास काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। अभी जैसे कल भी हमने यहाँ पर ये देखा था कि ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका है, एवरेजेस भी देखे शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तो ये मिक्स अप है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर्स में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का दिन है आज, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स की, तो काफ़ी यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट भी हो सकते हैं। अभी भी इनसाइड बार ट्रेडिंग ही चल रहा है, ये जो बुलिश कैंडल है इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा है या फिर नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। RSI को देखे तो ये जो RSI है यहाँ पर ये भी लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में ये ट्रेंड हो रहा है, यानी ये बियरिश पैटर्न है लोअर हाई लोअर लोस का। लेकिन ये जो कल का भी इसने ये जो स्विंग हाई बनाया है उसके बाद अगर ये एक मूव ये नीचे आते वक्त हम अगर ध्यान से देखें तो इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया कंपेयर टू ये लास्ट टू स्विंग हाईस को देखें, तो इसका ये जो एंगल है ये थोड़ा वाइड हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पर ये बियर इसका कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ हमें दिखाई दे, ये फिर से 20 EMA को सपोर्ट या फिर 50 EMA को सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ जाते हैं तो निफ्टी में साफ तौर पे यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। 60 मिनट की चार्ट को अगर हम देखें तो निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है, जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, तो S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इसके पहले ये 100 EMA जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे लास्ट 2 दिन से ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो ये फर्स्ट मेजर सपोर्ट होगा और इसको ब्रेक करने के बाद S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो इस लेवल को 9808 को कंप्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 9783, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9753, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले तो 20 EMA, फिर ये ब्लू लाइन 50 EMA का रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है, फिर पिवट पॉइंट का R1 का लेवल भी है, उसके बाद कल का हाई होगा और उसके बाद 2 दिन पहले यहाँ पर कंटिन्यू आर्ली चार्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 10,013 के पास। तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स है हर्डल्स है, तो इन सबको अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है यानी 10,013 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,043, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 10,775 के पास है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।